नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष। अजमेर से बड़ी खबर है, आत्मदाह करने वाले पुजारी की अस्पताल में मौत हो गई है। आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी ने विवाद के बाद आत्मदाह कर लिया था। पुजारी गोविंद नारायण की मौत पर ब्राह्मण समाज में गुस्सा है, नाराजगी। ब्राह्मण समाज विरोध में आज आंदोलन करेगा। ब्राह्मण समाज अस्पताल से शव नहीं लेने का फैसला उन्होंने किया। आत्मदाह के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग यहां पर तेज हो गई। जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी ने विवाद के बाद आत्मदाह कर लिया था, जिसकी मौत हो गई है। अब शव लेने से इनकार कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के तमाम लोग। अभी पूरा मामला क्या है, जरा वो जहां हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं वो जरा समझ लीजिए। क्योंकि आप पुजारी ने 11 अक्टूबर 2022 को आत्मदाह की कोशिश की थी। पुजारी गोविंद नारायण ने आत्मदाह की कोशिश यहां पर की थी। आपको बता दें कि मंदिर कमेटी ने पुजारी को निष्कासित कर दिया था, बिना कारण बताए निष्कासित किया गया था। मृतक ने इस मामले में कोर्ट में वाद दायर किया था। मंदिर कमेटी की तरफ से परेशान किया जा रहा था, ये बात सामने आई। पुजारी ने सुसाइड नोट में 4 लोगों के नाम भी लिखे थे। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। नए पुजारी ने परिवार वालों के साथ मारपीट की। जी मीडिया के ये तमाम सवाल भी हैं कि आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, एक बड़ा सवाल है। पुजारी को मंदिर से क्यों हटाया गया, वो भी बिना किसी जानकारी दिए सीधा निष्कासित कर दिया गया, आखिर क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर केस जो है वो कोर्ट में था तो कैसे रखा गया वहां पर पुजारी नया, क्या नए पुजारी को फायदा देना चाहती थी कमेटी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या मंदिर कमेटी साजिश कर रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अशोक भाटी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक भाटी, साजिश की बू आ रही है, क्योंकि जिस दिन आत्मदाह का प्रयास हुआ उस दिन से लेकर आज मौत तक कई सारी चीजें, कई सारे एंगल हैं। पुलिस किस मामले, इस मामले को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, अजमेर पुलिस इस मामले में दोनों ही पक्षों की सुनवाई कर रही है। दोनों ही पक्षों की ओर से अजमेर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि कार्रवाई निष्पक्ष जांच के बाद हो। तो आपको बता दें, जो गोविंद नारायण जो पुजारी हैं वो करीब 92 साल के बताए जा रहे हैं, और इसी को लेकर जो है मंदिर कमेटी ने उनको निष्कासित किया था कि भाई वो सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसे में उन्हें अब दूसरे पुजारी की आवश्यकता है। और अग्रवाल समाज का कहना है कि इस मामले में उनका हामी भी ली गई थी, लेकिन उन्होंने 4 महीने के भीतर ही कोर्ट में वाद दायर किया। इससे लगता है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। दबाव के बाद ही उन्होंने लगातार उनको प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया, और इसी प्रताड़ित के चलते ही उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर लिया, और आत्मदाह के बाद उनकी जो है अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में ब्राह्मण समाज वो है जो अब लामबंद है, मोर्चरी के बाहर सभी ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, और सभी ने यही चेतावनी दी है कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है, मृतक आश्रितों को मुआवजा नहीं मिलता है और सरकारी नौकरी के साथ ही सुरक्षा नहीं मिलती है, जब तक इस शव को यहाँ से नहीं उठाया जाएगा, तो तमाम जो सवाल है वो भी खड़े हो रहे हैं। प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा जो मामला था, पुजारी को आत्मदाह तक करना पड़ा, तो इस मामले में पुलिस व प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, दोनों ही पक्षों से बातचीत क्यों नहीं की, अगर वाद दायर हुआ था तो इस मामले में निस्तारण पहले क्यों नहीं किया गया। अब वह पुजारी की मौत जो है सामने हो गई है, ऐसे में पुलिस व प्रशासन के सामने भी कई चुनौतियां हैं। ऐसे में जो है समझाइश का दौर भी लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, जो पुलिस व प्रशासन दोनों ही पक्षों से यहाँ पर जो है बातचीत कर रहा है, किस तरह का ठोस निर्णय वो लिया जाता है आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं इस मामले में सीसीटीवी, ठीक है अशोक, आप बने रहिए, आप बने रहिए। छवि शर्मा जी जुड़ गई हैं, उपाध्यक्ष हैं अजमेर की, उपाधीक्षक हैं अजमेर की। मैम, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि बड़ी अजीबोगरीब चीजें निकल कर सामने आ रही। पहले ये लग रहा था कि भाई कमेटी दबाव बना रहा है उनको हटाने के लिए, उसके बाद जो है उन्होंने सुसाइड का प्रयास किया। क्या चीजें आप लोगों को समझ में आई, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हूँ। ये सारे सवाल जो आपके हैं, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जो शुरू से डील कर रहे हैं इस मैटर को, वही बता पाएंगे। जी
नहीं तो आप आप आपको हिसाब से प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही हैं तो जाहिर तौर पर आपको बेहतर तरीके से पता होगा स्थिति आखिर वहां क्यों उत्पन्न हुई। प्रथम दृष्टया तो यही जो मेरे सामने बात आई है अभी तक और जिसकी मेरे को ज्ञान है वो मैं बता सकूंगी कि ये एडमिट हुए थे जेएलएन में जो पंडित हैं मंदिर के, और उसके बाद कल देर रात इनकी मृत्यु हो गई है। छवि जी, ये मतलब बड़ा सवाल यही है, घूम फिर के इस पे आ जाता है कि भाई ये नौबत क्यों आई कि उनको आत्मदाह तक का प्रयास करना पड़ जाए, क्योंकि उससे पहले भी कई सारी चीजें होती हैं, वो कोर्ट तक गए, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, क्या इस तरीके के कई सारे सवाल हैं। ऐसी जो भी कोई बात अनुसंधान में निकल के आएगी तो आई एम श्योर डेफिनेटली आप ये निश्चिंत रहें कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और जो भी इसके लिए आरोपी साबित होते हैं, प्रमाणित होते हैं, उनके ऊपर विधिक कार्यवाही की जाएगी। जी, एक बड़ी चीज ये भी है कि जब चार नामजद थे ऑलरेडी इसमें मैम, और तो उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है इस पर आपका जवाब बनता है। यहाँ पर देखिए, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूँ, मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो मेरे को इंट्रिकेसीज इस केस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं ज्ञान होगा। मैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हूँ कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है किन्हीं पक्षों में या किसी भी जो एक गुट है उनके द्वारा, तो वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था जो है वो नहीं बिगड़े। बाकी इसके अतिरिक्त मैं इस केस के बारे में क्या है बहुत ज्यादा आपको बता नहीं पाऊंगी, स्पष्ट नहीं कर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका छवि जी, जितनी भी जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी अशोक भाटी जो है वो लगातार बने हुए हैं। अशोक, इस तरीके से अगर चीजें हो रही हैं तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे, और सवाल लगातार हम लोग उठा रहे हैं कि भाई जब नामजद थे तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, आखिर ये नौबत क्यों आई कि एक पुजारी को जो है आत्मदाह तक का कदम उठाना पड़े। जी बिल्कुल, इसमें दो समाज जो है वो आमने सामने अब हो चुके हैं। अग्रवाल समाज जो है वो भी लामबंद है, उन्होंने भी कल इस मामले में निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई को लेकर मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भाई इस मामले में पहले ही समाज के जो लोग हैं उन्होंने मंदिर कमेटी के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत की थी, और उनसे बातचीत के बाद ही नए पुजारी को लगाया गया था, और इसके बाद जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा था, इस तनाव के बीच में ही उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तो ऐसे में इस मामले में पुराना जो बातें हैं उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए और उसके बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लगातार दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस व प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए पुलिस भी असमंजस की स्थिति में है कि इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाए। अब इसी बीच जो है आत्मदाह की घटना जो है वारदात जो है सामने आ गई, तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन अब देखने वाली बात होगी कि किसके दबाव में आ गए, कब तक इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, जो चार नामजद जो है मंदिर कमेटी के पदाधिकारी हैं उनको कब तक हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। ये कुछ देर में जो है ब्राह्मण समाज भी लगातार मांग कर रहा है, अग्रवाल समाज की ओर से भी लगातार ज्ञापन देकर इस मामले में उचित जांच की मांग की जा रही है। तो कुछ देर में ही पता चल पाएगा कि किस तरह से पुलिस व प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है। नहीं, ये वाला जो पहलू है कि मंदिर कमेटी जो है कोई साजिश रच रही थी क्या इनको हटाने के लिए, क्या इनके ऊपर मेंटली दबाव बनाया जाता है, एक और पहलू मैं आपसे समझना चाहूंगा अशोक, जिनकी एज आप 92 बता रहे हैं, क्या मैं गलत हूँ, 92 एज है उनकी अशोक जिनकी मौत हुई? 92 एज बताई जा रही है, जिसके बाद ही उन्हें ये बताया जा रहा था कि ये मंदिर में पूजा अर्चना के चलते जो है वो नहीं कर पा रहे थे, इतनी उम्र दराज उनकी हो गई थी। एक बात और सामने जो है वो आ रही है कि जो उनका पोता है वो वहां पर रहता था और उसने इंटर कास्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद ही ये पूरा जो है विवाद सामने आया है कि भाई यहाँ पर रहने के बावजूद भी इंटर कास्ट मैरिज हो गए, तो उसके मैरिज के बाद से ही लगातार जो है मंदिर कमेटी और पुजारी के परिवार के बीच झगड़े की नौबत भी आ गई थी, और दूसरा जो पुजारी है उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, और उस झगड़े के बाद ही पूरा जो मामला है वो थाने तक पहुंचा, थाने से पहले उसने कोर्ट में भी विवाद दायर था। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार जो है वो परिस्थितियां बदलती गई, ऐसे में पुलिस के सामने भी लगातार चुनौती खड़ी होती गई कि किसके बयान को लेकर सामने कार्रवाई की जा सके, और लगातार घटनाक्रम होता गया, इसके चलते हो सकता है कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब जो है पूरे पुलिस और प्रशासन क्योंकि आत्मदाह तक की नौबत आ चुकी है, तो ऐसे में जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो पुजारी की मौत के बाद अब ब्राह्मण समाज में नाराजगी है, शव लेने से मना कर रहे हैं क्योंकि 11 तारीख को आत्मदाह का प्रयास किया गया था, आग लग गई थी, उसके बाद में उनकी मौत हो गई। अब मौत के बाद जो है वो मामला तूल पकड़ने लगा है, जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी से संबंधित ये पूरा मामला है।